तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ये भोलेपुर फ्लाईओवर जो नया बना था यहाँ पे हम लोग आ गए। दरअसल वैसे तो हम लोगों को सीधा जाना था, पर यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे इधर साइड में पवन कोल्ड है, उसमें थोड़ा सा काम है, तो पहले वहाँ पे मुझे एक सैंपल की कटिंग पकड़ानी है जो कि उनको माल प्रिंट करना है, तो वो दे के और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल जस्ट नया बना है, तो देख ही सकते हैं रोड की हालत क्या है। फर्स्ट टाइम मतलब इस पर आए हैं जो ये है जो उससे जो तुम्हारा नहीं उधर कायमगंज साइड में बना हुआ उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है, मतलब उससे रोड भी सही है। उधर को रोड पता नहीं कैसे उसमें नहीं बम्स टाइप के बहुत आए। ये तो लोगों को सेल्फी पॉइंट बन गए जब से ये बना हुआ है, लोग इन्हें खड़े हैं मिलिए तुम्हें। अब शाम को अब धूप ज़्यादा तेज होने लगी ना तो अब भी लोग खड़े ही होते। इसका कोई भी ओवरटेक नहीं कर सका था, समझे? जो जिस लाइन में आए हाँ वो इस लाइन में कैसे सीधी पट्टी का मतलब यही होता है कि आप जिस लाइन में चल रहे हैं उस लाइन में चलिए, क्योंकि जब वो कट कट वाली लाइन आती है उसमें तो ओवरटेक कर सकते हैं, बाकायदा इसमें आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और जो बीच में है जो साइकिल वाली लाइन है गाइस ये मजाक है, कोई सीरियस मत लेना, नहीं तो आप लोग कहेंगे मतलब हमें कुछ पता नहीं है। चलो फोन करो उसको। रोड पे दोबारा काम हो रहा है। कोल्ड में आप देख सकते हैं रोहन गए हैं ऊपर कटिंग पकड़ाने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पवन कोल्ड है। सामने इनका जो है ये फैक्ट्री है, जहाँ पे आप सामने देख रहे हैं वो गेट बना हुआ है, वहाँ पे प्रिंटिंग वर्क का काम होता है, और यहाँ पे पूरा कोल्ड है इनका। ये आलू वगैरह लोड हो रहे हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं रोहन यहाँ ऊपर गए हुए हैं, अभी वो आते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गाइस ये रोहन आ चुके हैं यहाँ पे और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं क्यों थे नहीं देख सकते हैं या कानपुर वाले हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं कमालगंज, और यहाँ से मतलब जो मार्केट है वो हम लोगों ने क्रॉस कर दी है। यहाँ पे हल्का फुल्का हम लोगों को जाम मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर राइट साइड में देखिए हनुमान जी का बहुत बढ़िया मंदिर है, अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है क्योंकि दोपहर है। और यहीं से अभी सीधा निकलेंगे, ये पहुँचेंगे फिर हम लोग गुरसाईगंज, जो गुरसाईगंज से थोड़ा सा पहले से जो है वो हाईवे मतलब चढ़ा हुआ है ऊपर, तो वहीं से फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, और तब तक आप थोड़ा सिनेमेटिक शॉट जो है वो इंजॉय कीजिए। जाएंगे तो गुरसाईगंज पहुंच जाएंगे, पर ये सामने दिख रहा है आपको जो फ्लाईओवर, अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आगे का रास्ता हमें पता नहीं है कि मतलब डायरेक्ट कन्नौज तक जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जो है वो बन चुका है।
तो यहाँ से क्या है कि एक्सप्रेस वे की रास्ता है, तो हम लोग इस पर चढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक्सप्रेस वे पर। गाइस आप देख सकते हैं कितना एकदम इसमें पत्थर देखे कितने बढ़िया लगा है, देखिए हम लोगों के यहाँ पत्थर दिखाओ पत्थर देखिए, वो गुरसाईगंज लिखा है और उधर सीधा जाएंगे तो अलीगढ़, और यहाँ से हम लोग मुड़ के और आप चल रहे हैं यहाँ से सीधा। अब देखिए कितना बढ़िया बना दिया, मतलब बीच में देखिए कितनी हरियाली भी इन लोगों ने करी है। अभी तो फिलहाल ये छोटे छोटे पौधे हैं, पर जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक वगैरह रहेगी यहाँ पर। रोड ऐसा हो तो गाड़ी चलाने का मज़ा भी अलग ही आता है, क्यों पूरे हम कह रहे हैं रोड ऐसे हो तो गाड़ी चलाने का मज़ा भी अलग ही आता है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। चा से निकली हो तो तुम्हारा टूर लाइव पड़ी है, पड़ता ही नहीं है मोटरसाइकिल में, बहुत कम जगह है मोटरसाइकिल में, बहुत पड़ा था।
क्या कर दिया गया पनीर? अच्छा गोभी में क्या है? मक्का मक्का है, आलू है, हम लोगों का जो काम था मामा के यहाँ वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया और हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से वापस। तो हम लोग पहुँचते हैं, हम लोगों को गुस्साएगा जो काम है और हम क्या करें, क्योंकि जो हम लोग मतलब एक्सप्रेस वे से आए थे उससे ना जाके अब हम लोग जो पुरानी वाली रास्ता थी मतलब उससे जाएंगे। देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचा दी, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आसानी से पहुँचा देगी वहाँ पर, पर पास भी पड़ेगी थोड़ा। इधर देखो इस रोड से, उस रोड से बन हाईवे से बनने से क्या वो है कि मतलब जे जो है जे रोड खाली रहने लगो थोड़ा समझे, इस पर ट्रैफिक कम हो गई है क्योंकि अब कानपुर वाले हैं या बिल्लौर वाले हैं फिर डायरेक्ट उसी रोड से जगह है इस पर ना आएंगे वे समझे, क्यों बाइक बाइक वगैरह को पेट्रोल तो पलटा रहो है तो जे चीज है, तो इसलिए इस पर थोड़ी जो भीड़ भड़का थी भाव हो गई है कम। देख सकते हैं गाइस पहले ये रोड था जो कन्नौज से मुर्गाबाद जाने के लिए था, अभी भी है फिलहाल तो ये कैसा है कैसा भी तो गिरी यार तेज होएंगे वे तो इसलिए थोड़ी निकट चले गए आगे समझ गए, ब्रेकर से निकले और बोरी उनकी गिर गई होगी। से आप देख सकते हैं जैसे ये गाड़ी हमारी गाड़ी यहाँ से लेके और निकलते हैं फिर हम लोग वहाँ पे गुरसाईगंज की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं चिद्रामू मार्केट में और यहाँ पे जो हम लोगों को थोड़ा बहुत काम है पेमेंट का वगैरह का तो वो करके और फिर मिलते हैं आपसे यहाँ पे। बस वगैरह इधर से कहाँ से जा रही थी क्या भाई? उधर चौराहे जा रही है मतलब ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर आपसे अभी थोड़ी देर में, अब तक यहाँ का काम निपटा के उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके में है भैया यार हम कोई घर पे लाए हैं यार काम पे, आप देख सकते हैं कितना चलो आप करवा रहे हो शीशे में ठीक है। हम लोग का अभी हमारा अभी तो लोग देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं यहाँ पे शॉप में कैसी शक्ल हो गई देखो अपनी गाइस कैसी शक्ल हो गई है कन्नौज गुरसाईगंज जाते जाओ घूम के तो मिलते हैं आपसे रोड पे। हम लोग हैं यहाँ चिद्रामू मार्केट में ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह का व्यू है, कुछ इस तरह का है आगे से बाहर देखिए, तो ये रही पूरी मार्केट यहाँ पे, यहाँ से देखिए पूरा सब कुछ यहाँ पे और नीचे ये देखिए पपीते वगैरह बिक रहे हैं ठीक है गाइस। कैसे लोग चल रहे हैं आगे आगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि पेमेंट वगैरह इस समय क्या है रोजे वगैरह चल रहे हैं ना, तो जो मोमिन लोग हैं वो लोग चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अभी हमारा जो पेमेंट कलेक्शन का काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हम लोग आए थे यहाँ छिबरामऊ से, हमारी गाड़ी में हो गया था पेट्रोल ख़त्म तो अपने लोगों ने पेट्रोल डला लिया, पर जो हमने पैसे पेटीएम करे वो उनको अभी शायद रिसीव नहीं हुए तो वो गए अंदर दिखाने के लिए अपना फ़ोन लेने के लिए, अभी आ जाएंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। तुम जाओ ना सुसु करे अब, हाँ जाओ सुसु करे अब सुसु क्यों करे अब रोहन कुमार हाँ सुसु करे अब। तो देखो छोटा सा ट्रैक्टर आया है जो पहले नहीं जो भी तो छोटो ही है यार। अच्छा यहाँ पे कल्लू चाट वाले हैं यहाँ पे इनके पास ये पकौड़ी और मिर्च का है मनीषन पुनीत, तो देखो ये खाने में लग गए हैं, इनको भूख लगी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था हम लोगों ने तो ऐसे ही चले आए थे, अभी खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बघार पे और ये खड़ी रही है अपनी गाड़ी, हम निकलना है यहाँ से घर की ओर, अभी हम लोग आए थे इधर से ये जा रही रास्ता ये आ रही पुनीत और वो और हम लोग निकलते हैं। चलो
गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ठंडी सड़क पे आईटीआई चौराहे के पास में। इस रोड पे गाइस इतने सारे मॉल खुल चुके हैं कि एक दिन ठंडी सड़क नाम हटके इसका मॉल रोड नाम रख देना चाहिए, क्यों पुनीत? सही बात है, मतलब इस पे माल ही माल है। सीधे निकल ले, सीधे तो मॉल दिखाया तो भी देंगे ना। कभी ऐसा टाइम था कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा रहता था, अब देखो रात में इस टाइम पे भी इतनी चहल पहल। देखो गाइस इधर रेड जीप का है, गॉप का है, वैन हेल्सन का है, मतलब सारे ही मॉल मिल जाएंगे आपको जो भी मतलब है। डीमार्ट तो है ही, ये तो मतलब पैसा मॉल है और ये सारे ब्रांड के अब तो मतलब शोरूम खुल गए हैं ब्रांड वाले ना। KM इंडिया है और जो कैंटाविल है, बाटा है, मतलब सभी कुछ है, काफ़ी सारे हैं। एक ये मानेवर का भी खुला है यहाँ पे, इसमें तो पुनीत तुम जाओ पूरे तुम्हें दूल्हा बना के निकाल दिए जे बाहर है। इसमें तुम मानेवर में जाओ, मानेवर में क्या है तुम्हें जूता उता कुछ भी लेने की ज़रूरत ना है कहीं और से, मतलब तुम खाली मानेवर में जाओ जो तुम्हें शेरवानी से लेके मतलब पगड़ी अगड़ी जो भी दूल्हा को पूरा सामान है वो सब पूरा तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। तो जाएँ तो खाली बोले, हाँ तो तुम करका रहे हो शादी ना, कब कर लियो? जे एलियन सोली का है, हमें तो लगता है यार यहाँ पे इसमें मतलब कोई अंदर जात भी है कि नहीं जो डेढ़ यहाँ पे आप आओ इसकी बात करो जो हाँ लुइस फिलिप इतने सस्तो है जो इसमें 2000 रुपए की एक बेल्ट है, कितने 2000 रुपए की बेल्ट है, इतना सस्तो है। जी गाइस देखो फुपारा है हमारा यहाँ पे लगा हुआ चल रहा है मुर्गाबाद की शान। पहुंच चुके हैं अपने घर पे और आशा करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।